नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। हरियाणा की सरकार और छोटी सरकार ई पंचायत को लेकर आमने सामने नजर आए हैं। करीब करीब पूरे हरियाणा में सरपंच ई पंचायत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि डिजिटल तो होना ही पड़ेगा। तो छोटी सरकार राज्य सरकार से नाराज नजर आई है, उसको लेकर रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये सुनिए कि सरपंच क्या कहते हैं ई पंचायत पर। ग्राम सचिव और सरपंच एसोसिएशन जिला फतेहाबाद, उसके पीछे मकसद है कि जो मौजूदा ग्राम ये सरकार है वो ई पंचायत लागू करने जा रही है। ठीक है, हम सभी साथी जो भी सरपंच है या ग्राम सचिव हो, वो ई पंचायत का विरोध नहीं करें, हम करें इनकी नीतियों का। आपने ई पंचायत लागू करनी है तो इसके लिए कम से कम समय सीमा दी जाए। हमारी डिमांड है कि कम से कम एक साल का समय सीमा दी जाए इसमें, ताकि हम मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर हो सके और सरकार इस एक साल के दौरान हमें संसाधन मुहैया करवाए। प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि पंचायती प्रणाली में जो लागू करने सरकार लागू करने जा रही है, इसमें सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं वो बाधित होंगे। और जो GPDP के अकॉर्डिंग ये काम सरकार की मंशा के जो GPDP बढ़ा दी जाए, उसके अलावा कोई काम ना हो, अगर मान लो कोई भी नया काम करना पड़ जाता है, कोई आपदा आती है, तो सरपंच को एक पैसे की पावर नहीं जिससे उसे खर्च कर सके, उसको ठीक करा सके। रहा सवाल ग्राम सचिवों का, ये ग्राम सचिव और जो ग्राम सरपंच पंचायतें जो है उनका मिलकर विरोध है, क्योंकि जो ग्राम सचिव हैं उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है और ना ही उनको कंप्यूटर चलाना आता, ना ही सरपंचों का आता है। और सरकार उनसे एक अकाउंटेंट, जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट होता है, उसके लिए उसके मातहत काम कराना चाहती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सरकार उन मांगों को सरकार मान ले जो हठधर्मिता सरकार अपना रही है, शायद वो स्थायी नहीं होगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब तक ग्राम सचिवों की योग्यता स्नातक नहीं की जाएगी, तब तक ये ई पंचायत के काम को अमली जामा पहनाया जाना बड़ा मुश्किल है। पहले भी सरकार को और प्रशासन को अपने ज्ञापन दिए हैं, हमारा जो आज का मुख्य एजेंडा है वो ई प्रणाली को लेकर। आज ई प्रणाली हम पे बिना सिर पैर के थोपी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों पे विचार करे और सरपंचों को बुला के उनकी समस्याएँ पूछे। हमें इसमें बहुत अत्यधिक समस्याएँ हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसकी पूर्ण तैयारी नहीं है। हमारी जो ई प्रणाली को जब तक लागू ना करे, जब तक हम साधन नियुक्त ना हो, साधन नियुक्त होते हैं सरपंचों के साथ एक मीटिंग की जाए, सरपंच उसमें सारा बताएंगे भी हम ये चीज़ चाहते हैं, हमारे से ऐसे चीज़ कार्य करेंगे तो हमें ये चीज़ें हैं। 10-10 गाँव में एक सेक्रेटरी है, कैसे काम होगा? आज कितने गाँव के पंच? आज 338 गाँव के सरपंच हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं, पंच हैं, और सिरसा जिला के तमाम हमारे मौजूद भाई हैं। हम आज 22 तारीख को सभी जिलों पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मुख्य मांगे ना मानी गई सरकार द्वारा, तो हम 28 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। लेकिन हमें दिक्कतें आ रही है, इसलिए हम सरकार से मांग की है भी ग्राम पंचायतों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम समय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सके, प्रशासन को भेज सके। यही हमारी मांगे हैं। जो भी ई प्रणाली लागू कर रहे हैं, इसको तुरंत कैंसिल किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये ई प्रणाली लागू करने से पहले हमारे संसाधनों को पूरा किया जाए। अभी तक हमारे पास ब्लॉकों में बिजली, पानी, रास्ते तक नहीं है, और नेटवर्क तो आने वाले 5-7 सालों में पूर्ण होने की भी कोई आशा नहीं है। जो लागू करना है तो उसके लिए, लागू करने के लिए पहले संसाधन तो पूरे किए जाए। रोल यह है कि पूरी तरह तैयार नहीं है, ना सरपंचों को ट्रेनिंग दी, ना पंचायतों के ऑपरेटर है, ना गांव में सचिवालय है जहां पे सिस्टम चल सके। और जो मजदूर मिलते हैं वो हमें मिल रहे, वो डेली कैश लेते हैं, मनरेगा की दिहाड़ी एक एक साल से लोगों को मिल नहीं रही है, तो गाँव में विकास कार्य ठप करने का ये सरकार का एक बहुत रणनीतिक तरीके से ताकि सरपंचों को थोप दे, लेकिन ये सरकार खुद विकास कार्यो को फेल करने जा रही है। तो जो ई पंचायत का जो सरकार हमें जबरदस्ती पंचायतों पर थोप रही है, उसके लिए हमने काफ़ी बार बात की है। हमने ये कहा कि हमें ई पंचायत से कोई तकलीफ नहीं, ना पंचों को, ना सरपंच, ना ग्राम सचिव को, परंतु उसके लिए पूर्ण रूप से संसाधन और तैयारी के साथ की जाए, ये हमारी मांग है। आज ये जिले के सरपंच इकट्ठे होकर इन्होंने ज्ञापन दिया है, और इन्होंने मुख्यतः जो ई पंचायत प्रणाली लागू हो रही, तो सरपंचों को आपने सुना। साथी प्रणाली है क्या, पंचायतों को परेशानी क्या है और सरकार का फिलहाल पक्ष क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखें। हरियाणा सरकार की झोली में अब तक के कार्यकाल में जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनमें सरकार पढ़ी लिखी और ई पंचायत सिस्टम को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखती है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार के गले की फांस बनती नजर आई है, क्योंकि प्रदर्शन से घिरी हरियाणा सरकार के खिलाफ अब सरपंच भी लामबंद होने शुरू हो गए।
ई पंचायत का विरोध किया जा रहा है। पंचकुला, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, कैथल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में सरपंचों ने प्रदर्शन किया। मांगे हमारी ग्राम पंचायत और सरपंचों की जरूर रहेगी कि जो सरपंच है उसकी 3000 रुपए की तनख्वाह रखी गई है, जो एक बहुत ही निम्न मात्र है, तो उसको तनख्वाह को बढ़ाने की बात है, उसका इंश्योरेंस कराने की बात है। जो डिमांड्स मांग पत्र आज डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा, तो हमारा प्रदर्शन किसी सरकार के विरोध में नहीं है, अपनी जायज मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। सरपंचों को TADA भी दिया जाए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और प्रदेश स्तरीय हमें सभी सेमिनार में जाना पड़ता है। आज कोई भी काम है ग्राम स्तर का, चाहे वो पॉलिथीन इकट्ठा करना है, चाहे स्वच्छ भारत की बात है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन की बात है, किसी भी चीज पे काम करना है तो आपको खर्चा चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरपंच उस योजना का विरोध करने लगे जिसकी सरकार तारीफ करती नहीं थकती। सरपंचों का कहना है छोटी सरकार की शिकायतें, गाँव में पूरा ई सिस्टम नहीं, ना तो अभी तक सभी पंचायतें वाईफाई हुई हैं और ना ही सभी जगह ग्राम सचिवालय बने हैं। इस प्रणाली को लागू करने के लिए ब्लॉक स्तर पर पूरा स्टाफ भी नहीं है। निगरानी कमेटी की प्रताड़ना, सरकार की ओर से नियुक्त किए गए निगरानी कमेटी के चेयरमैन सरपंचों को प्रताड़ित करते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं से सीएम विंडो पर सरपंचों और अधिकारियों की शिकायत लगवाते हैं। ये पदाधिकारी सेटिंग करने के लिए शिकायतों को लटका के रखते हैं, जब उनकी सेटिंग हो जाती है तभी मामले को बंद किया जाता है। सरकारी कोशिशें TADA, जिला प्रशासन से उन्हें सभी कार्यक्रम में पहुंचने की चिट्ठी थमा दी जाती है। अधिकारी फोन करके कहते हैं कि गांव से लोगों की गाड़ी भरकर लाओ। अगर सरपंच को सरकार कहीं बुलाती है तो उसका TADA पंचायत फंड की बजाय सरकारी कोशिशें मिले, यानी सरकार के निजी एजेंडे का खर्च सरकारी कोशिशें हो। विकास पर ध्यान दे सरकार, सरकारी भाव में कोई भट्टा मालिक ईंट नहीं देता, इस कारण गांव में विकास कार्यों पर ब्रेक लगी है, इसलिए सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। पंच सरपंचों का बकाया दे, प्रदेश सरकार ने पिछले 13 महीने से पंच सरपंचों का मानदेय नहीं दिया। सरकारी अधिकारी मंत्री या मुख्यमंत्री के आने पर सरपंच जेब से खर्च करके आते हैं। सरपंचों को 3000 रुपए और पंचों को 1000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। सरकारी अफसरों और विधायकों का हर महीने वेतन और भत्ते दे दिए जाते हैं, तो पंच सरपंचों का मानदेय इतने दिन से क्यों अटका कर रखा गया है? यही सवाल लेकर जब हम कृषि एवं पंचायत मंत्री के पास पहुंचे, तो वो थोड़े मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए कि सरपंचों के सारे काम तो व्हाट्सएप पर चलते हैं, तो ई पंचायत से डर कैसा? सरपंच अपनी कार्रवाई व्हाट्सएप पे चलाते हैं, अपनी मीटिंग व्हाट्सएप पे बुलाते हैं, अपनी फोटो व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, ये सूचनाएं व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। शिक्षित पंचायतें इसलिए बनाई कि आगे ले जाएंगी, शिक्षित पंचायतें इसलिए नहीं बनाई कि पीछे ले जाएं। अब पंचायतें ऑफलाइन नहीं हो सकती, ऑनलाइन होंगी, लेकिन जितना भी सुधार चाहते हैं उतना करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं टेक्निकल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल आदमी चाहते हैं टेक्निकल आदमी देंगे, लेकिन ज़रूरत है समय की। आज सब चीज़ें जब सरपंच ऑनलाइन हो गया है तो पंचायत ऑफलाइन कैसे हो सकती है? मंत्री जी की बात अपनी जगह सही हो सकती है, कभी न कभी आगे भी बढ़ना होगा, लेकिन सवाल ये है कि तकनीकी के इस कदम ताल में सरकार सरपंचों के साथ कितना दूर तक चल पा रही है? क्योंकि जो सवाल सरपंच उठा रहे हैं, अगर ऐसा है तो वाकई गलत है और इसमें सुधार होना चाहिए। ई पंचायत से पीछा काटना भले ही कोई हल ना हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश पूरी है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो पूरे विस्तार के साथ आपने देखा कि प्रणाली क्या है, सरकार के उसके पीछे मंशा क्या है, उसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं, साथ ही पंचायतों को परेशानी क्या है और इसके आगामी फायदे क्या हो सकते हैं अगर सरपंच धैर्य रखें, उसको चर्चा उसको लेकर करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ नीलम चौधरी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भूम सिंह राणा हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर श्याम सखा श्याम हमारे साथ हैं और सरपंच हैं विजेंद्र शर्मा, साथ ही महेश ग्राम सचिव इस चर्चा में हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत करेंगे से नीलम जी, आप लोगों ने जिस चीज को उपलब्धि बताया वो सरपंचों को पंचायतों को रास नहीं आया। नहीं देखिए ज्योति जी, हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है और हरियाणा की स्पेशली, वो पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत की है
और इस पढ़ी लिखी पंचायत में जो भी एवरेज एज जो हमारे सारे सरपंचों की आ रहे हैं वो करीबन 33 या 34 साल के आसपास है, तो इसका मतलब सारे के सारे युवा सरपंच हैं, पढ़े लिखे हैं, और जैसा कि हम हर एक डिपार्टमेंट में हर चीज़ को ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी आए हमारे कामों में, तो इसीलिए जो ग्राम पंचायत है उनको भी ऑनलाइन करना, और बहुत सारे दूसरे राज्यों में ऑलरेडी ऑनलाइन है और बहुत अच्छे से काम कर भी रहे हैं जो पंचायत के ई पोर्टल्स हैं, मध्य प्रदेश तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो नेचुरली एक पढ़ी लिखी पंचायत से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो ऑनलाइन काम करेंगे और ई पंचायत बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम करेंगे, और वो कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत यंग युवा लोग हैं और पढ़े लिखे हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएट भी हैं, और इस तरह से हमारी ये उम्मीदें हैं कि एक ऑनलाइन जो पंचायत है जो ई पोर्टल पे बहुत सारा काम करेगी। ई पोर्टल पे आने से काम सारे बहुत आसान हो जाते हैं, सबकी जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है आपकी, कोई भी ई पेमेंट है या कोई भी ऑर्डर है, एक नंबर डाल के सारा डिटेल मिल जाता है, गांव की कच्ची सड़कें जो पक्की होनी है वो, और जितने भी स्कूल कॉलेज के हैं, जितना भी खर्च है या जो भी उस पर निगरानी रखी जाती है, हर चीज़ का डिटेल मिल जाता है। इवन आप देखिए इसी पढ़ी लिखी पंचायत की वजह से हर एक गाँव के बाहर एक ग्राम द्वार पहली बार जो बना हुआ उस पर गाँव से रिलेटेड पूरा डिटेल होता है, और इसी तरह से इवन जो दीनबंधु जी के नाम पर करीबन 5,000 करोड़ रुपए में 1700 जो गांव हैं उनको पूरा मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि शहर के लोगों का और गांव के लोगों का जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसमें जो ये ई पोर्टल है ये हमारी बहुत मदद करेगा ताकि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो हर एक ग्रामीण व्यक्ति तक। ठीक है, पहले हिस्से का जवाब आया कि उपलब्धि आप लोगों ने बताया, आपने एक बार फिर से पैनल पर इसे उपलब्धि बता दिया, लेकिन पंचायत को रास नहीं आया। देखिए आप गांव में जब हम एक ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं तो शहरी विकास से डेफिनेटली वो अलग है, एक तो जैसे भाषा का है, ये ई पोर्टल हिंदी में होगा पहली बात, जो एक लोकल भाषा में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा एक नया सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करने में डेफिनेटली शहर के कंपैरिजन में गांव में दिक्कतें आएंगी, ज़रूर आएंगी, और पर उससे उसका भी हमारे पास हल है। जितने भी ग्राम सचिवालय होंगे वहाँ पे पूरा स्टाफ होगा, ट्रेन लोग होंगे, और करीबन जो हमारे पास 1579 गाँव में तो सचिवालय ऑलरेडी बन भी चुके हैं, और जो बाकी है वो 2019 तक सारे बन जाएंगे। तो एक सचिवालय, एक सेक्रेटरेट, एक ऐसी जगह होगी। पंचायतों को जो परेशानियां नजर आती हैं, इनेलो को उसमें से कितनी नजर आती हैं, कितनी सही हैं ये परेशानियां? देखिए परेशानियां बहुत ज्यादा है, जो इस चीज के ऊपर हम पहले भी बहस कर चुके हैं, जिस प्रकार सरपंचों के साथ में कार्य किया गया था, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी पार्टी सरपंचों के साथ में, इनके प्रोटेस्ट में पूरी तरह से साथ है, और जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सरकार ने दूर नहीं किया, और उसके बिना इस चीज़ को जबरदस्ती और धक्के से जिस प्रकार से लगाया गया है हम उसका विरोध करते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें हैं आपके यहाँ पर, जब हम कहते हैं कि अगर हम छोटा सा छोटा काम भी हमें जो है सरपंच को जा करके अपने ई पोर्टल पर जा करके अप्रूवल ऊपर से लेना पड़ेगा तो पूरा का पूरा जो इनकी व्यवस्था है पूरी बिगड़ जाएगी। इसकी जगह मैं आपको बता रहा हूँ ई पोर्टल पर आपको डालना है, सरपंच काम कराएं, दिन में काम कराएं, शाम को जो है ई पोर्टल के ऊपर डाल देगी हमने इतना रुपए का काम करा है। एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल एक चीज होती है, मैं आपको बता दूं, अपने हरियाणा की कैबिनेट हो, केंद्र की कैबिनेट हो, वहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि कार्य करने के बाद में भी अप्रूवल दिया जाता है। या क्या ये अपने सरपंचों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं कि ये सुबह काम करवा के शाम को उनके बिल्स को डाल करके उसका अप्रूवल ले लेंगे? ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप, उनको कहिए कि बिल को जितना भी आप कार्य कराएंगे उसकी रसीद काटिए और उसकी रसीद को सेम डे जो है आप उसको अपलोड कीजिए ताकि हम उसको ऑडिट के पर्पज से वेरीफाई करा सके। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी का कौन सा तरीका हुआ? घर के आपको गांव के अंदर छोटे छोटे कार्य करने हैं, हर एक छोटे कार्य के लिए यदि आपको एडवांस में जाकर के उस पे पोर्टल पे करना होगा कार्य, पूरी तरह से पंचायत सिस्टम एक प्रकार से धराशायी हो जाएगा, और इस धराशायी होने इसके इसमें यदि सरपंच आज के दिन में हरियाणा के इतिहास में पहली बार सड़क के ऊपर आए हैं तो मैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि निंदनीय भी यार, बड़ी चिंताजनक बात है। सरकार को छोटी सरकार पर विश्वास नहीं? जी जी जी, वो एक छोटी सी बात जो है कि ऑर्डर को ऑनलाइन करना कोई मुश्किल बात है, इवन ऑर्डर जब आप जैसे ही ऑनलाइन करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, इवन टाइम भी आ जाता है और उसी वक्त वो आगे भी, और जितना काम ज्यादा ऑनलाइन होगा उसका रिस्पॉन्ड भी तो ऑनलाइन उतनी फटाफट होगा ना, उसे भी टाइम नहीं लगेगा, जितनी जल्दी ऑर्डर जाएगा उतनी जल्दी उसका रिफंड भी आ जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जो है वो काम की स्पीड को भी बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं स्पीड को बढ़ाता है। शुरुआत में उसको इस्तेमाल करने में, उसको यूज टू होने में थोड़ी दिक्कतें हैं, बट ऑनलाइन सिस्टम हमेशा काम में तेजी लाता है। क्या काम किया गया उसकी एक बार भी जानकारी आपको शाम को दे दी जाए सरकार को, तो क्या विश्वास की कमी है? विश्वास की कमी है कि एडवांस में आप लोगों को जानकारी दी जाए? नीलम जी, जी आपकी सवाल। देखिए इसमें एडवांस में जान, ऑनलाइन का मतलब है जो भी जरूरत हो उसे उसी टाइम अपलोड कर दिया जाए, जो दूसरा अधिकारी है वो भी उसको इमीडिएटली देख लेता है, तो 5 बजे के बाद देख लेगा
क्यों नहीं देखेगा? आप लोग कितनी बार व्हाट्सएप देख लेगा? के अपने स्टेटस चेक करते हैं? क्या तो आपको लगता है आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी सर्वर जो है वो शाम को जो है प्राइवेट घर से वो एक्सेस करेगा अधिकारी? आप ये कह रहे हैं कि सरकारी सर्वर जो है आपके अधिकारियों के 2400 घंटे घर के अंदर उनके उपलब्ध रहेंगे सरकारी सर्वर, और उनके ऑफिस के अंदर वहाँ पे क्लर्क भी होगा, वो उसको चेक करके अप्रूवल भी देगा और अधिकारी उसकी फाइल भी रात को पढ़ेगा? आप ये कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप इसके ऑनलाइन सिस्टम हर चीज को आसान बनाता है, जल्दी करता है और लोग फटाफट काम भी करते हैं, बाकी काम भी तो करते हैं। किसी ने नकारी नहीं मैडम, लेकिन अभी जो सवाल किया गया क्या 24 घंटे तक अगर बात बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी, उस पर फीडबैक आएगा? देखिए जब उस पर जवाब आएगा, जब यूज्ड हो जाएंगे, देखिए जब यूज्ड हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप रात को 12:30 बजे बैठ के करेंगे, उस टाइम तो कोई भी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो डे टाइम है सफिशिएंट होता है, जब भी आपको टाइम मिले आप ऑनलाइन सिस्टम है उसको। महेश जी, क्या परेशानियां हैं आप लोगों के? महेश जी मैडम, हमारी परेशानियों भी जहाँ तक बात है तो हमें ऑनलाइन सिस्टम से, या अगर पंचायतें ऑनलाइन हो रही हैं, उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है, उससे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जहाँ तक है जो कर्मचारियों की बात है, वो ये है कि एक डेडलाइन सेट कर दी गई है कि जैसे से फॉर 1 अप्रैल से ही सभी पंचायतें, हरियाणा की अगर बात करें तो 6212 पंचायतें हरियाणा में इस टाइम काम कर रही हैं, और उनमें कुछ पंचायतों का जहाँ तक बात रिकॉर्ड की है या वाउचर्स की है, तो वो हमारे पास एक 2015 से ही वाउचर्स एंट्री जो ऑनलाइन हो रही हैं, प्रिया सॉफ्ट ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये हो रही हैं वाउचर एंट्रीज, यानी जो खर्चा पंचायतें कर रही हैं वो कर रही हैं। लेकिन जो अब ये जो दिक्कत आई है, डेडलाइन की दिक्कत आई है, इसमें दिक्कत ये आई है कि किसी भी अगर हम ब्लॉक की बात करें तो किसी भी ब्लॉक में पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियाँ हैं उनसे मैं अगर आपको अवगत करवाऊं तो ये है कि वहाँ जैसे नेट नहीं है, या कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं हैं, या जो हमारे पास जो मैन पावर है, जैसे कर्मचारी हैं हम, हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर हम आते हैं जब रिक्रूट हो गए, तो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन आज के टाइम में 10वीं है जी। मात्र 10वीं। तो अगर 10वीं शिक्षित व्यक्ति से अगर आप ये पूछेंगे कि आपको ये चीज़ें ऑनलाइन करनी है, आपको ये, और स्टाफ जो है स्टाफ की हमेशा कमी रही है, अब 6212 पंचायतों में 1633 ग्राम पंचायत रिकॉर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज भी अगर बात करें तो 3 से 4 पंचायतें एक ग्राम सचिव के पास आ रही हैं, और हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत महीने में 2 मीटिंग्स तो ग्राम पंचायत की आपको करनी होती हैं, तो अगर वो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स करता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम की भी एक लिमिट रहती है कि आप वो फिर ऑनलाइन एंट्रीज का या ऑनलाइन सिस्टम का कैसे उसका उपयोग कर पाएंगे जे. तो मेन जो दिक्कत है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ना डाटा इंटरप्रेटर्स हैं, ग्राम सचिव पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। भूम सिंह राणा जी, क्या लगता है कि सरकार बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिशों में? ज्योति जी, भाजपा सरकार वाकई बहुत जल्दी में है, और जल्दी में इन्होंने आज हरियाणा का वो नाश कर दिया है, ये विकास की बात करते हैं, विनाश की तरफ धकेल दिया है इन्होंने। आज मैडम कह रही थी कि जल्दी हो जाता है, आज रजिस्ट्रियां ऑनलाइन की हुई है इन्होंने, 3-3 दिन 4-4 दिन तक वहां धक्के खाते हैं लोग, वेटिंग में हैं, और जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कहां पे इन लोगों को इनकी मत मारी गई है, इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप स्कूल, आप एजुकेशन के प्रति तो बिल्कुल भी, स्कूलों में टीचर नहीं है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, आप उस पर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, अपना क्यों नहीं करते, एमएलए क्यों नहीं करता, मंत्री क्यों नहीं करते, अपना अपने अपने आप को क्यों? फैसला कैसा है सर, ये प्रणाली जो है, पंचायतें जो होंगी, फैसला कैसा है? ये बिल्कुल गलत फैसला है, पहले सबसे पहले ट्रेंड करें जी, और ताकि मुश्किलें ना आए। आज जो सरपंच है जो 10वीं वो रखी है, बिल्कुल गांव के अंदर बहुत लोगों को नहीं पता, इवन के ग्रेजुएट लोगों तक को नहीं पता अभी इसके बारे में। आपने वो पोर्टल खोल के देखा? बिल्कुल सब कुछ देखा है उसके अंदर, आप देख लेना, आप हरियाणा सरकार का खोल के देखो ना, हरियाणा सरकार का नहीं, जो ई पंचायत का पोर्टल। मैं वही बात कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार का ही पार्ट है ये भी, एक पंचायतों के ऊपर आज किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है, इवन के जो एससी हमारे साथी हैं उनका एजुकेशन 10th भी नहीं है, उसको रिलैक्सेशन है उसमें, आप उसको खोल के देखें उसमें, और ये बिल्कुल गलत प्रणाली है इन्होंने, और इसके अंदर ये सिर्फ गांव में परेशानी पैदा करने के लिए इन्होंने किया है, अपने आप को बचने के लिए। कांग्रेस को गलत क्यों लगती है? पंचायतों को भी गलत नहीं लगी कि कुछ सुधार किए जाए तो? ज्योति जी, पहले वहां अब आकर अल्टीमेटम जरूर दे दिया गया, एक बार सुनो, सरपंच अगर वो गलत भरेगा कल के उसके ऊपर केस बनाएंगे। क्यों गलत भरेगा?
उससे उसको नॉलेज नहीं है अभी पूरी तरह ट्रेंड का है, जानकारी का अभाव हो सकता है, आपको नहीं लगता, आपको पैनल पर बैठकर नहीं लगता होगा, लेकिन जो पंचायती हैं उन्हें लगता होगा, जो सरपंच हैं, जो सड़कों पर जो लोग हैं उनको लगता होगा। जी ज्योति, यही सही बात है, एक तो जानकारी का अभाव है, एक मिनट बात तो सुनिए आप, जानकारी का अभाव, देखिए आप जो गांव के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी भी वो हर चीज के लिए ऑनलाइन, अगर हम ये सोचें कि सबके सबको सब चीजों की जानकारी नहीं है, बेशक उनके पास अच्छे मोबाइल्स हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग जो सिर्फ है उसे या तो फोटो क्लिक करते हैं या फोन उठा लेते हैं, अभी भी उसके सारे फंक्शंस को वो नहीं जानते। तो अगर हम जी अगर बात तो पूरी सुने ना, काम तो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है, होगा पारदर्शिता आएगी, जो सरकार को लगता है इसके फायदे हैं। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पंचायत के मुद्दे के ऊपर सरपंचों के पक्ष से एक सरपंच को बुलाया। दूसरा, मैं इसके लिए भी ज़्यादा आभारी रहूंगा कि आपने हमारी बात ही नहीं सेकल वाली। मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूं जी। हम पहली बात, हमारे किसी सरपंच ने ये बात नहीं की कि हम ई पंचायत का विरोध करते हैं जी, शुक्रिया। दूसरी बात, ये सरकार से हम पिछले 2 साल से बने हुए हैं जी। आज तक अपने अधिकारों की लड़ाई, मैं मेरे दुखी मन से कह रहा हूँ कि परम आदरणीय, बहुत सम्मान योग आदरणीय हाई कोर्ट से लड़ लड़ के हम अपनी सरपंची कर रहे हैं जी। क्या हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, क्या वो एक्ट में अमेंडमेंट करके सरकार ने किया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई भी फैसला, बड़ा फैसला अगर लागू करना है तो पहले माननीय वकील साहब बैठे यहाँ पे, ये हाई कोर्ट में ये अपनी अमेंडमेंट करनी चाहिए थी इनको एक्ट में, तब ये लागू करो। दूसरी बात, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैडम कह रहे हैं कि आज तक हमारे 6200 पंचायतों में से सिर्फ 1500 पंचायत ही तो के पास वहाँ पे है। अब जो हमारे जैसे गांव है वहाँ पे फ़ोन का तो सिग्नल नहीं आता, बताओ सचिवालय में कंप्यूटर नहीं, चलाने वाला ऑपरेटर नहीं, सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, सरपंच की 10वीं पास है, वो कैसे उस इस प्रक्रिया से निकलेंगे? नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात हम सरपंचों के साथ की, जिससे बिल्कुल 1 फरवरी के बाद हमारे जिले में सबसे पहले लागू कर दिया और जो सारे सरपंच प्रभावित हो गए, सरपंच जो है वो सरकार का ही हिस्सा होते हैं, हम सरकार की फेवर में रहते हैं, सरकार की कोई भी पॉलिसी होती है हम ही पहले लागू करते हैं, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से स्वच्छता अभियान है, जो भी कोई है हम सबसे पहले उसको सरकार को लागू करते हैं और सरपंचों पे ही अविश्वास कर दिया। अब आप ही बताइए मैडम, कल को आपके घर में कोई फंक्शन हो और आप गांव के एक मौजूद इलाके के आदमी हो, आपके घर पे फंक्शन है, आपने बोल दिया सरपंच साहब हमारे नाड़ा बनवाइए, गली बनवाइए, हमें पता है आपके यहाँ विधायक भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे और अच्छे आदमी आएंगे, आज इनके इस फैसले से एक सरपंच 1 रुपया भी कैश इन हैंड करके आपका वो काम नहीं करा सकता, क्योंकि अब आप बताइए, जब सरपंच 5 रुपये नहीं खर्च कर सकता, गांव में 26 जनवरी नहीं मनानी है, मैं पहले उसका कहां से एस्टीमेट पास करूंगा, 15 अगस्त मनानी है, गांव में कोई छोटा सा काम करवाना है, खड़े खड़े करवाना है, वो जो हमारा हर सरकार में करप्शन को खत्म करने के लिए अच्छा फैसला नहीं है कि पूरी पारदर्शिता आपको बिल्कुल आर पार नजर आए? पारदर्शिता कहां मैडम जी, आप एक बात बताइए, जब एक सरपंच के पास जो उसका कानूनी राइट है, जो इन्होंने कैश इन हैंड हमारा था ना, जो 25,000 था उसको हम तो सोच रहे थे 50,000 या 1 लाख करेंगे, इन्होंने वो भी सारा बंद कर दिया, इसका मतलब ये है ना कि हम वो जो कुछ कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। हमारी सरकार से एक हाथ जोड़ के अपील है, मैं एक मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि जो हल नहीं की जा सकती, हम तो ये कह रहे हैं इस काम को आहिस्ता आहिस्ता जहां पे आपका सिस्टम लागू हो गया वहां इसको आहिस्ता तौर पे लागू कर दे, एकदम से पूरे हरियाणा में इसको थोपा ना जाए, क्योंकि विकास कार्य गांव में ठप हो गए। राजनीतिक तौर पर ये फैसला कैसा है बीजेपी का? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सरकार चाहे सेंटर की हो चाहे यहाँ की, इसके 2 बड़े खास मुद्दे हैं, ये पंचायत और उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, इनका भी विरोध नहीं है, बेचारे डरते नहीं कह रहे, विरोध इनका भी है हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैड प्लानिंग और बैड इंटेंशन, ये इस सरकार के खास चीज, हाँ इंटेंशन की बात बताता हूँ कि सरपंच जो है सरकार का सबसे नीचे का पायदान होता है, वही लोगों तक विकास की बात पहुँचाता है, जब विकास होगा नहीं तो क्या पहुँचाएगा, लेकिन ये किसान के मुद्दे से, बेरोजगारी से, महंगाई से इनको हटा के और सड़कों पे ले आए कि भाई तुम ई पंचायत का शोर करो, बजाय इसके कि उनकी बात करें, ठीक है ये सड़क पे आके महंगाई की बात नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें अपनी सरपंची रखनी, लेकिन वहां बैठ के तो करते हैं, लेकिन इनका टाइम सारा खराब कर दिया। अब मैडम ने कहा ट्रांसपेरेंसी, अभी आपने पिछले दिनों कैग पर भी मुझे बुलाया था, आपने देखा होगा क्या ट्रांसपेरेंसी थी, यानी ऑनलाइन में 2 फर्मों को 39 ठेके दिए गए, 39 जगह के ठेके दिए गए और कितने दिए गए, 180,
उसी तरह ड्रग में जो अभय चौटाला जी ने बताया, उन्हें दुष्यंत चौटाला ने, वहां ऐसी उसको कि तेल बेचने वाले को ऑनलाइन में दे दिया गया जे। तो आप ये बताइए ट्रांसपेरेंसी कहां हुई? वो तो आरटीआई के थ्रू हाईकोर्ट से लिया। और रही बात के स्टाफ की, प्लानिंग की, स्टाफ ना तो डॉक्टर पूरे लगाए, यानी कि जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनको 8 महीने में वो दिया ना, शिक्षक जरूर उठेंगे। हाँ, सरकार भले ही बिल्कुल मनसा है नहीं, वो मुद्दे से भटकाना चाहती है। पढ़ी लिखी पंचायत के देने से क्या भला हो गया जब उनको ग्रांट ना दी जाए, जब उनका मानदेय ना दिया जाए वक्त पर? देखिए, पहली बात तो ये सरासर गलत है कि हमारी बैड इंटेंशन है। जो कुछ भी सिस्टम जब ऑनलाइन आता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है और आपकी अच्छी नीयत सामने आती है, तो ये तो एक बिल्कुल सरासर गलत बात है। जो कैग ने रिपोर्ट दी मैडम जी, नहीं मैंने नहीं दी रिपोर्ट। नहीं, कैग ने रिपोर्ट दी है, उस पे आप जी नहीं 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 आप वो एक अलग विषय हो सकता है, वो एक अलग विषय होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बारे में दिया उन्होंने। आप पारदर्शिता के साथ अपने आप जुड़ेगा, आप कंप्यूटराइजेशन को गलत नहीं कह सकते, आप कंप्यूटराइजेशन को गलत नहीं कह सकते। हरियाणा में भ्रष्टाचार है, उस पर पारदर्शिता लें, माइनिंग सरेआम हो रही है, उस पर पारदर्शिता लें। तो इतिहास में पहला ही मौका है जब पंचायतें और सरपंच सड़कों पर आ गए हैं। छोटी सरकार बड़ी सरकार यानी कि राज्य सरकार के खिलाफ आग खड़ी हुई है, उस उपलब्धि को लेकर जो कि सरकार को लगता है कि बड़ी उपलब्धि है, बड़े बदलाव के ये संकेत हैं। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के साथ खास बातचीत की। देखिए, ये किस प्रकार का सिस्टम है कि धीरे 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 करके ई प्रणाली पर जाना, ये केवल सरपंचों ने पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, सभी पंचायतों के लिए बहुत अच्छा कदम सिद्ध होने वाला है। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है और हम उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा गहराई से समझते नहीं है, तब थोड़ा सा यूँ लगता है कि पता नहीं क्या एक इस नए कदम के कारण से किस प्रकार की समस्याएँ आएँगी। लेकिन आज के दिन लगभग हर सरपंच के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जो उनके पंचायत के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके पास सब तरह की सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सब लोगों के समझ में आएगी, हमारे सरपंचों के भी समझ में आएगी, और सरपंच यानी कि सबसे छोटी जो हमारी सरकार है हरियाणा प्रदेश की पंचायत, वो और हरियाणा सरकार मिल करके एक तेज़ गति से हरियाणा प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। तो सुभाष बराला को आपने सुना, तेज गति के साथ हरियाणा चलेगा और उसी तेज गति के विकास में मील का पत्थर माना गया है ई प्रणाली को, ई पंचायतों को। लेकिन खास परेशानियां क्या हैं वो जानने की कोशिशें हम कर रहे हैं। विजेंद्र जी, जब कहा गया कि जानकारियां आप लोगों को मिल जाएंगी और जितनी भी तकनीकी खामियां होंगी वो समय के साथ दूर कर दी जाएंगी, तो स्वागत क्यों ना किया जाए इस फैसले का? स्वागत मैडम जी, हम कहां इनकार कर रहे हैं, पर जहां जहां ये सुविधा दे देते हैं वहां पे लागू किया जाए। अब बराला साहब कह रहे थे कि हर सरपंच के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो बराला साहब बताएं कि कितने सरपंचों को एंड्रॉयड फ़ोन सरकार ने दिया है, कितने सरपंचों के फ़ोन में नेट पैक पाके दिया है कि सरकार की कार्यप्रणाली को जितनी को हम लागू करें गांव में दें। सरपंच तो सरकार की हर कार्रवाई को, हर इसके प्रोग्राम को लागू करवा रहे गाँव में, सरकार बताए कि उसने सरपंच को क्या फैसिलिटी दी है। और जहाँ तक मैं बात कराऊँ, गाँव में जो मैडम जी बता रहे थे, अब ऐड आ रही थी, गांव में जो ग्रांट देने हैं उसमें भी सबसे बड़ा भेदभाव इस सरकार ने शुरू किया है। अब इन्होंने क्या लागू किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक स्कीम लागू की सेंटर से कि पैसा देंगे गांव में। आप मैडम जी ये बताइए, एक देश एक भारत है, इसका एक संविधान है, क्या कोई ऐसा लागू कर सकता है कि 5,000 की आबादी से ऊपर के गांव की जितनी भी समस्या है उसमें आप करोड़ों रुपए का पैकेज दे दो और जो 5,000 की आबादी से नीचे गांव है वहां ग्रांट ना दो? ये बिल्कुल है, फैक्ट है इस बात का कि गांव में ग्रांट देने में पूरे का पूरा भेदभाव है। हमें चलो कोई बात नहीं, ये जैसा देते हैं कि जैसा होता है हो रहा है। लोग तो बात करते हो सबका साथ सबका विकास की, इतने छोटे स्तर पर जहां से शुरुआत होती है। मैं एक बात और अपनी बात कहकर खत्म करूंगा, भेदभाव के आरोप लगे शर्मा हो जाता है अपने आप में। परम आदरणीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दे रखे हैं कि सरपंचों के काम में कोई भी अधिकारी दखल नहीं देगा, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। नीलम जी, चलिए जी, इसी में जो दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना है, उसमें 3,000 से 10,000 तक की आबादी के गांव के लिए जो है 5,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। उसका रीजन में ये है कि बड़ी आबादी वाले गांव की जरूरतें अलग तरह की होती है, उसकी समस्याएं भी अलग तरह की होती हैं, इसलिए उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ अलग तरह की होनी चाहिए। हम लोग जो है स्मार्ट सिटीज की तो बात करते हैं, हम लोग स्मार्ट विलेजेस की भी तो बात करना चाहते हैं ना, तो जो बड़े गांव हैं उनकी जरूरतें बड़ी हैं, उनकी समस्याएं भी ज्यादा हैं, तो इसलिए उस पर कुछ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जो दीनबंधु जी का जो एक सपना था एक पूरे गांव को भी आत्मनिर्भर करना, ताकि जो गांव के युवा है वो शहरों की तरफ ना जाए, वो पलायन ना करें, तो उनके रोजगार की सुविधाएं और उनके पढ़ाई लिखाई जितनी भी जरूरतें हैं जो डिस्पेंसरी है सब अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी नेचुरली जरूरत है। छोटे गाँव वाले कहाँ जाएंगे? छोटे गाँव के लोगों के लिए उनके लिए 5,000 करोड़ रखते हैं, छोटे गाँव वालों के लिए भी 1,000 करोड़ रख देते हैं, वो लोग भी तो शायद वो अच्छा माल की बात है। आपने छोटे और बड़े गांव को भारत को ही बांट दिया, ये कौन सा बात है मैडम जी? 6,000 पंचायतों में डिवाइड है बजट, क्या जनसंख्या क्या बांटा नहीं उनके लिए अलग से बजट जाएगा उन गांव को उनका भी है। एक बात देखिए ना, हरियाणा की जो है 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, उस ग्रामीण आबादी के लिए जिस प्रकार के ये कार्य इन्होंने किया है हरियाणा की 70% आबादी के लिए, ऐसा लगता है कि या तो इन्हें ग्रामीण विकास की चिंता नहीं है, यदि चिंता है तो अविश्वास बिल्कुल जो है पंचायतों के प्रति जिस प्रकार का अविश्वास का माहौल बनाया गया है उससे जो है कती जो मैं कहता हूँ कि हमें आपत्ति करनी चाहिए। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ, घर के अंदर गाँव के अंदर एक गली अगर व्यक्ति को ठीक करानी है उसे एक मजदूर की जरूरत है, एक दिहाड़ी वाले मजदूर की जरूरत है, वो दिहाड़ी वाला मजदूर जिसे एक दिन के अंदर 500-600 रुपए इन्होंने दिहाड़ी देनी है, क्या उसे जो है ई पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट और उसके खाते में पेमेंट डाल करके आप उस व्यक्ति से कार्य कराएंगे? सरपंचों के जो व्यक्तिगत उनके जो कार्य इनके गांव के जो कार्य रहते हैं वो सरपंच के खुद के कार्य हैं। आप इस बात को समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम शहरों के तरह नहीं है कि हमारा घर के अंदर बाहर जाकर के दुनिया खत्म होगी, गाँव के अंदर पूरा गाँव एक परिवार के रूप में कार्य करता है, उस परिवार का एक सदस्य काम कर रहा है, दूसरे परिवार का जो हेड है मुखिया है सरपंच है, सरपंच के पास में इतनी भी इन्होंने पावर नहीं छोड़ी कि वो 500 रुपए जो है उस दिहाड़ी वाले मजदूर को दे दे, क्या वो बिल शाम को जाकर के उसको सबमिट नहीं कर सकता था? मेरी बड़ी सख्त आपत्ति है। यदि मंत्री के पास में डिस्क्रिशनरी कोटा हो सकता है वो जाकर के ग्रांट की घोषणा कर सकता है, क्यों नहीं सरपंच अपनी मनमर्जी से जाकर के ग्रांट घोषणा कर सकता है? तो किया है सरकार ने, आप बताइए, पारदर्शी है मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाम को जाकर के पूरी तरह से किया है, इस बात को मानेंगे पैनल? नहीं नहीं नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, बेसिकली सरपंचों के हाथ में ज्यादा ताकत है, वो अपने सारे काम करवा सकते हैं। और जैसे कि ये गली की बात है, कोई जो है को समझ क्यों नहीं आता है सरपंचों को? समझ क्यों नहीं? मैं वो एग्जांपल ही बताती हूं। ओके, जस्ट प्लीज प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज, सारी सारी शक्तियां अगर सरपंचों के पास है, नहीं नहीं नहीं, सारी शक्तियां हैं सरपंचों के पास, पोर्टल किसी की शक्ति, ई पोर्टल किसी की शक्तियां नहीं छीन रहा, पहली बात तो ये कंफ्यूजन ही होना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे गली ही बनानी है, कोई बड़ा काम करना है, ये अचानक नहीं आते कि मुझे आज सुबह उठे तो वो नहीं मुझे गली बनवानी है, ये ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं कि हाँ मुझे यहाँ वहाँ ये काम करवाना है। तो कोई भी ग्राम सचिव वाले बनाए सब, आप लोगों ने वाईफाई दिया, ब्लॉक स्तर पर जो सदस्यों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, क्या वो पूरी कर ली गई या फिर घोषणा ही करनी है, लागू ही कर दिया जाना ज्योति? एक गाँव के अंदर नालियां नहीं टूटती, गाँव के अंदर और समस्या नहीं आती है? क्यों नहीं आती समस्या? गाँव के अंदर कहीं झुग्गी झोपड़ी के अंदर आग लगेगी, उसको बुझाने के लिए उनको पानी की आवश्यकता हो सकती है, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरजेंसी जो है इमरजेंसी पे भी आप अप्रूवल लेंगे ई पोर्टल के ऊपर? कौन सा तरीका है ये आपका? बताइए, आपके पास में वो ग्रांट है तो पहली बात तो ये जी सरपंचेस के पास ऑलरेडी ग्रांट है इमरजेंसी के काम करने के लिए, जिसको कि बढ़ाया सरपंच बच्चे बता दें। हाँ हाँ जी जी, कोई ग्रांट नहीं है नीलम जी, एक मिनट, आपने पंचायतों का मानदेय बढ़ाया हो, आपने सरपंचों का मानदेय आपने बढ़ाया हो, बढ़ाया ना 2,000 से 3,000 किया था 14 महीने से नहीं मिला जी, 6 महीने में से वो केवल टेक्निकल इमरजेंसी में कौन सी ग्रांट है जो आपको लगती है? अभी सरपंच साहब हमारे साथ हैं जी, टेक्निकल सरपंच साहब ने इनकार किया कि इमरजेंसी के लिए कोई ग्रांट नहीं है। आप हरियाणा बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि ग्रांट है, ग्रांट है जी, तो इसलिए कि कोई जी बेहतर बताएंगे जी, पोर्टल सुविधा के लिए है जी। कंफ्यूजन सरकार की जो स्कीम्स है, जो सरकार ग्रांट दे रही है, सरकार ये चाह रही है कि सबसे पहले उसका एक एनुअली एक प्लान बन जाए, जिसको ग्राम पंचायत विकास योजना सरकार ने नाम दिया है। तो पंचायतों को क्या होता है कि अपने पूरे साल का एक GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एक तैयार करना पड़ता है, उसमें आप गलियां बनवाइए, नालियां बनवाइए, जो भी विकास के कार्य आप उसमें रख सकते हैं। बात दिक्कत कहाँ आ रही है एग्जीक्यूशन में, भाई हमने एक प्लानिंग तो सेफ और एक साल के लिए हमने कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास इमीडिएटली एक ऐसी राइज हो जाती हैं गांव में डे टू डे की है, कोई हैवी कोई व्हीकल आ गया, कोई किसी वजह से कोई नाली का पाइप फट गया, तो उसमें अगर हमें कोई उसकी रिपेयर कराना है या कुछ ऐसा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एडवांस चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए पंचायत के पास एक
अमाउंट ऐसा फिक्स भी होना चाहिए कि भी सरपंच के पास ये कि कैश इन हैंड रहेगा, छुटपुट खर्चे वो इमीडिएटली अगर कोई अराइज होते हैं तो वो उनको मीट आउट कर ले। जी एक अच्छा सुझाव है और अभी तक रहा है और आगे भी रहेगा। अब ये तो हम फॉरसीन अब इवेंट जो है उनका कोई ऐसी प्लानिंग या सच नहीं कर सकते। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ मैडम ने, एक वो 14 महीने पेमेंट नहीं हुई उनकी, उसके लिए टेक्निकल रीजन है और ये टेक्निकल बात तो पूरी होने दीजिए। टेक्निकल रीजन तो ई पंचायत में और ज्यादा है, उसमें तो सारी टेक्निक है। जीएसटी में कितनी परेशानी आ रही है, नोटबंदी में एक हुआ कोदरा में वो दिखाया था भाई ये कैशलेस हो गया गांव, आज उसमें एक भी कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो वो जो टेक्निकल रीजन एक 14 महीने पेमेंट करने में आ रहा है तो वहां कैसे नहीं आएगा उसमें। आप ये देखिए कि जब कहीं भी बैंक के सर्वर रोज डाउन रहते हैं तो उनके पंचायत की कहां से होगी ई टेक्नोलॉजी। जिस दिन अभी तो आपके पास 1/4 में ही सिर्फ लघु सचिवालय है, उसके बाद अभी कंप्यूटर आने हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर आने हैं जो कभी आएंगे कब आएंगे, उससे पहले आप लागू कर रहे हैं। ये तो देने में अगर तकनीकी खामियां हैं तो आगे कैसे सुनिश्चित करें, घोड़े के आगे गाड़ी बांध रहे हैं उसका कोई तरीका। पोर्टल में जो कर्मचारियों की सैलरी है, जो मानदेय है, वो सब ऑनलाइन है। आपको ये कैमरे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हैं। ट्रेलर मैडम जी आपको दिखा रहा हूं, ज़ूम करके दिखाएंगे हम इसे। ये मेरे को इससे पहले भी एक यूटीआर नंबर मेरे को दिया गया था, मैंने अपने गाँव में सारे, मैं तो ये भी कहूंगा कि हरियाणा में नहीं तो मेरे पूरे जिले के अंदर मेरे को इस बात का वो विश्वास है कि मनरेगा से जोहड़ की खुदाई चल रही है और उसकी खुदाई के कच्चे काम की वजह से मेरे को पक्के काम के पैसे मिलने थे। हाँ। जो मैंने बिल दे दिए उसके 2 बार यूटीआर नंबर दिए और पिछले 10 दिन से मेरे को दूसरा यूटीआर नंबर दिया गया कि इनके बिलों की पेमेंट होगी, आज तक इन बिलों के पैसे नहीं पड़े। कौन सी प्रणाली की बात कर रहे बोलो, ये खुद के नंबर आज के नंबर है। सबसे मेन बात है हम सभी एक परिवार के लोग हैं, मान लो हम गांव में रह रहे, एक परिवार है हमारा। हमने आज अपने गांव की जीपीडीपी बना दी 31 मार्च को, बनाने के बाद जुलाई अगस्त में ये परिवार के 2 मेंबर अलग हो गए, ये 2 अलग हो गए। ठीक है, हमारा यहाँ घर है, ये अपनी आबादी में जाके दूर बस जाते हैं। जीपीडीपी मार्च में बन गई या दिसंबर में बन गई और ये जाके अगस्त में अलग हुए, इनको गली तो चाहिए। अगर इनकी गली उस दिन, हमें क्या पता था 4 महीने बाद अलग होंगे और इनकी गली आज बनानी है यार, वो जीपीडीपी में नहीं है और सरपंच बना नहीं सकता क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है, विकास रुक चुका है। ये तो सरपंच को मौके पे डिसीजन लेना है। ऐसे है मैडम, गांव की समस्या का इस सरकार को, इन लोगों को पता ही नहीं कि किस तरीके की बात होती है, इनको शहर की नहीं पता। ठीक नहीं हुआ जब भारत आजाद हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा था ये बड़ा, हम टेक्स्ट बुक में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब तक पंचायत एम्पावर नहीं होगी ये देश नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत का हमारे यूनिक सिस्टम पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है इस प्रकार का सिस्टम। हमने इसी सिस्टम को यदि काट दिया, मार दिया, तो ये मान करके चलिए कि इस देश की 70% आबादी जो है, और किसान किसान वर्ग विशेषकर जो है मजदूर वर्ग, इसके इसका गला घोटने का कार्य हम करेंगे। इन्हें एम्पावर नहीं कर रहे हैं, इनकी जो पावर थी उन्हें छीन करके अपने पास ले रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं करेगा कि गांव में कौन से सरपंच है, कौन सी महिला है। सरपंचों को पंचायतों को प्रताड़ित करने के, पंचायतों की ओर से निगरानी कमेटी पर, नीलम जी जवाब दीजिए जल्दी। जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरपंच जो है वो पूरे राज्य की जो सिस्टमेटिक वर्क है उस लोअर टायर में सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा होते हैं और गांव एक अच्छी यूनिट की तरह काम करता है। गांव के ही काम सुचारू रूप से करने के लिए ई पोर्टल बनाया गया है, इससे सरपंचों का काम और ज्यादा आसान होगा। पंचायतों की शिकायतें की जाती है और ये ई पोर्टल सिर्फ ऐसा नहीं है, वो सबके साथ कनेक्टेड है, उसमें कंप्लेंट्स का ऑप्शन भी है, सीएम विंडो के साथ कनेक्टेड है, स्वच्छ भारत के साथ, जितने हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स है ये सब इंटरकनेक्टेड है और हर एक गांव का अपना एक डैशबोर्ड है जहां वो पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। 2 मिनट है हमारे पास। ज्योति जी, जो मैडम कह रहे हैं, आज खट्टर साहब, बराड़ा साहब और भाजपा का विनाश काल विपरीत बुद्धि की तरफ चल पड़े हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सरपंच है, अगर सरपंच सड़कों पे आ गया है, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये रोजगार देने की बजाय या विकास करने की बजाय आज इन बातों में उलझा के रखना चाहते हैं। अरे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तुम किस चीज का विकास करोगे, किस चीज की पारदर्शिता है? तुम पंचायतों को सुविधा नहीं दे रहे, तुम उनको धन नहीं दे रहे,
गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, तुम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अपने आप में चिंताजनक है कि हमारे पंचायत मंत्री को भी यह जानकारी है कि सारे ही जो पंचायतों की सरपंचों की बात कर ली जाए, ग्राम सचिवों की बात कर ली जाए, कि वो व्हाट्सएप चलाते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को ये लगता है कि सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, ये आंकड़े कहां से लाते हैं कि सभी लोगों के पास मोबाइल है? वो आज हरियाणा का मजाक उड़ा रहे हैं। महेश जी बोलिए। जी देखिए, बड़ी अच्छी बात है अगर सभी सरपंच और सेक्रेटरी अगर आजकल उस पर चल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वो कुछ चीज़ें हैं, वो फोन यूज़ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, और सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिस में काम करने के लिए उसमें एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है। उसमें आपको सबसे पहले तो एक अकोमोडेशन चाहिए, एक कमरा कम से कम चाहिएगा, उसमें आपको लैपटॉप वगैरह या कुछ ऐसा आपको कंप्यूटर चाहिए, फिर आपको एक ट्रेंड एक जो उसको ऑपरेट कर सके कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसके बाद नेट का कनेक्शन चाहिए, फिर आपको उसके बाद आपको ये जो 11 सॉफ्टवेयर हैं जो पूरी प्रक्रिया अगर हम उसको करेंगे ना, प्लानिंग से लेके और लास्ट एग्जीक्यूशन पेमेंट तक, फाइनल पेमेंट तक, इसके बीच में ग्यारह चरण है। हमारी आगे की रणनीति ये होगी के ई पंचायत को फिलहाल इसको वापस लें जब तक ये पूरा प्रोग्राम सेट नहीं हो जाता। ये अभी कह रहे थे कि रिफंड हो जाएगा, जीएसटी का रिफंड अब तक नहीं आया फर्स्ट क्वार्टर का, तो इनको कहां से रिफंड देंगे जब 14 महीने की नहीं दी, यानी ये टोटल फेलियर रहेगा, और जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं दिया जाना चाहिए, रोक कर रखा जाएगा, होल्ड पे रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जब भी जिस तरह का सुधार होगा वो किया जाएगा, जिस सुविधाओं की जरूरत होगी वो उन्हें। शुक्रिया सभी का चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा ये की कि छोटी जो सरकार है वो सरकार के सामने आ गई है अपनी मांगों को लेकर, की प्रणाली जो आपको लेकर आ रखी है वो हमें रास नहीं आई, उसे वापस लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।